क्या हो अगर कल सभी सितारे गायब हो जाएं और इसके साथ सभी प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम और सारी गैलेक्सीज भी गायब हो जाएं, तो यूनिवर्स में क्या बचेगा? क्या कॉस्मिक चक्र दोबारा शुरू हो पाएगा? और वास्तव में ये पूरा यूनिवर्स कैसे टूट सकता है? तो आइए जानते हैं क्या हो अगर यूनिवर्स कल खत्म हो जाए। आज से कुछ 5 करोड़ साल बाद मंगल ग्रह का चांद फोबोस मंगल ग्रह से टकरा जाएगा और टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आज से 10 करोड़ साल बाद धरती से एक उल्कापिंड टकरा जाएगा जिसका आकार ठीक उस उल्कापिंड जितना होगा जिसकी वजह से डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए थे। आज से 115 करोड़ साल बाद यह सूरज इतना चमकदार और गर्म हो जाएगा जिस कारण धरती जीने योग्य नहीं रहेगी। अगर हमें मानव सभ्यता को बचाना है तो हमें किसी और जगह की खोज करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, हर चीज का अंत कभी ना कभी तो आना है, यहाँ तक कि हमारे 1400 करोड़ साल पुराने यूनिवर्स का भी। तो आपको कैसा लगेगा ब्रह्मांड के महाकाव्य अंत का गवाह बनके? कृपया इतनी दिलचस्पी ना दिखाएं। यूनिवर्स के अंत का मतलब होगा हर चीज का अंत। इसमें शामिल है 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज जिन्हें हम पृथ्वी से देख सकते हैं, जो हर चीज से परिपूर्ण है, गैस से भरे विशाल ग्रहों से लेकर अजीब से दिखने वाले उल्का पिंड तक सब गायब हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप और जो कोई उस ओर है वो भी। पर आपके अंतिम क्षण कुछ अलग हो सकते हैं, वह निर्भर करता है कि यूनिवर्स किस तरह बिखरता है। यह 3 तरीकों से संभव है। पहली संभावना यह है कि यूनिवर्स बहुत ठंडा हो जाए। यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है और गैलेक्सीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद भी उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सिद्धांतिक शक्ति जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का विरोध कर रही है। अगर एक दिन इसकी एनर्जी खींचने की शक्ति बढ़ गई तो स्टार फॉर्मेशन के लिए जिन आवश्यक टुकड़ों की जरूरत होती है वह दूर हो जाएंगे। अंततः सभी मौजूदा तारों का अंत कभी ना कभी हो जाएगा। उसके बाद उनकी जगह लेने के लिए कोई नया तारा नहीं होगा। हर जगह अत्यधिक ठंड और घना अंधेरा हो जाएगा। एक बार जब तापमान 0 पर पहुंच जाएगा कुछ भी हिल नहीं पाएगा, एक कण भी नहीं, और यूनिवर्स सबसे उबाऊ और स्थिर स्थान बन जाएगा और शायद अंतहीन समय तक बना रहे। मुझे लग रहा है कि आप इस कहानी के लिए एक और शानदार अंत की उम्मीद कर रहे हैं। आइए थोड़ा और एक्शन जोड़ते हैं। हमारी दूसरी थ्योरी के अनुसार अगर डार्क एनर्जी इतनी तीव्र हो जाए कि वह ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म करने में सक्षम हो तो यह यूनिवर्स को चीर देगा। इसकी शुरुआत होगी गैलेक्सी से। गैलेक्सीज को खत्म करने के बाद अगली बारी होगी ब्लैक होल्स की, फिर स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, और जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार बढ़ेगा हर तरह का पदार्थ अपने आप ढह जाएगा और सब चीजें रेडिएशन से नष्ट हो जाएंगी। बेशक इसमें आप भी शामिल है। यूनिवर्स जब खत्म होगा वह सिंगल पार्टिकल से भरा होगा। क्या यूनिवर्स के खात्मे के बाद ये सभी सिंगल पार्टिकल एक साथ आकर नए यूनिवर्स का निर्माण कर पाएंगे? यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। चलिए अपनी किस्मत अजमाते हैं तीसरी थ्योरी के साथ। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स पर्याप्त मजबूती से वापस लड़े और डार्क एनर्जी को उखाड़ फेंकने में सफल हो तो तब यूनिवर्स एक्सपेंड यानी बढ़ना बंद कर देगा, या हो सकता है कि वह सिकुड़ जाए। अगर यह सिकुड़ गया तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा जाएंगे, स्टार भी आपस में टकरा जाएंगे, गैलेक्सीज का विलय एक दूसरे में हो जाएगा और हमारी पृथ्वी बहुत अधिक समय तक अंतरिक्ष पदार्थों को रोकने में सक्षम नहीं होगी और यह यूनिवर्स कंप्रेस हो जाएगा एक डेंस सिंगुलैरिटी में, वैसे ही जैसे बिग बैंग की घटना से पहले हुआ करता था। हो सकता है इस सिंगुलैरिटी से नए यूनिवर्स का निर्माण हो जाए जहाँ नई गैलेक्सीज, नए प्लैनेट और नए तरह का जीवन हो। इस तरह या उस तरह इस यूनिवर्स और इसके अंदर की हर चीजों का अंत होगा, पर यह एक दिन में होना संभव नहीं है। हमारे पास पर्याप्त समय है एक उन्नत सभ्यता बनने के लिए। हो सकता है एक दिन हम बसने के लिए पृथ्वी जैसा एक और नया ग्रह खोजने में सफल रहे, पर इस स्टोरी को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, पीस आउट।